देख सकते हो भाई ये वाली पूरी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, और देख सकते हो कितनी ये चीज़ देख सकते हो पहाड़ के ऊपर ना। इसने ना इनके बैग में से कुछ निकाल लिया, देख सकते हो। देख सकते हो भाई देसी खाना, मतलब यहाँ पर तो जी व्हाट्सअप, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग गाइस। तो आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं हूँ भाई मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर के अंदर, और आपने पुराना ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना। अभी मैं आया था भाई अपने होटल के रूफ टॉप पे, और ये भी होटल मैंने पुराने ब्लॉग में दिखाया है भाई चेक इन करते वगैरह। ये भाई पूल है, मतलब गंदा सा पूल है यार। 4 साल पहले आया था तो भाई ये ऐसे ही पड़ी थी सेम, तो अभी भी वैसे ही पड़े हैं टेबल। मतलब ये होटल पहले बहुत चलता था, कोविड के बाद इसके भी लग गए भाई। ये देखो मशीनें पड़ी हैं ऐसे ही, अबैंडन सा हो गया भाई ये वाला होटल। बट हाँ अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आया हूँ तो रुका हूँ भाई, क्योंकि मेरा ये फेवरेट होटल था आज से 4 साल पहले जब मैं ट्रैवल करता था, 4-5 साल पहले इसमें ही रुकते थे हम, क्योंकि ये वाला होटल थोड़ा बजट में पड़ता था, सस्ता पड़ता था। अभी भी सस्ता ही, इतना महंगा नहीं है। तो यहाँ पर ही रुकते थे तब भाई, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती थी, साफ होता था एकदम होटल। अभी थोड़ा सा मतलब कोविड के बाद थोड़ा ख़राब हो गया। ज़्यादा मैंने यहाँ पर टूरिस्ट देखे बहुत कम फॉरनर हैं, सिर्फ इंडियंस ज़्यादा हैं, इंडियन बहुत रुकते हैं ये एरिया में। और ये होटल की जो खास बात है ना, ये होटल भाई बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो आसपास, नज़दीक यू नो। और यहाँ से भाई ये टावर दिख रहा है, देख सकते हो आप ये वाला, और उसके पीछे भाई ट्विन टावर दिख रहे हैं दोनों। ये देखो ये मतलब उस साइड से दिखेंगे अच्छे वाले, मतलब नज़दीक ये यहाँ से सब कुछ। और ये मैंने कोई एनर्जी ड्रिंक ली थी रात को, बूम प्लस। तो यहाँ से भाई मैं एक टेम्पल जा रहा हूँ, बाटू केव। तो यहाँ से मतलब है 12-13 किलोमीटर दूर, तो देखते हैं भाई कैसे जाना है यहाँ से। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ से चलती है मेट्रो, तो देखते हैं आपको दिखाते हैं मॉल। तो बने रहे वीडियो के साथ, पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो जी नीचे आ गए थे होटल के, थोड़े टाइम के बाद शायद बारिश आ जाएगी, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मुझे जाना है बाटू केव, जो कि एक टेम्पल, एक मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी, तो वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि पिछली बार भी जाता जाता रह गया था। हिंदू टेम्पल है एक्चुअली वो। यहाँ से मैं या तो ग्रैब बुक करूँगा या मैं जाऊँगा लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके। तो पहले दोनों के प्राइस देखते हैं भाई किसका सस्ता पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई कि जो यहाँ से मेट्रो चलती है वो सस्ती पड़ती है, बट मैं दोनों के प्राइस कंपेयर करूँगा फिर उसके बाद चलते हैं। और भाई जो ग्रैब पड़ रही है मुझे वो पड़ रही है 16 रिंगिट की, और जो मेट्रो पड़ रही है वो सिर्फ 2 रिंगिट की पड़ रही है, तो सीधा ही जमीन आसमान का फ़र्क है। तो भाई चलते हैं सीधा मेट्रो पे। बट ग्रैब पे क्या फ़ायदा है कि यार ग्रैब में आप इजीली कंफर्टली जा सकते हो सीधा डायरेक्ट, 16 रिंगिट लग जाएंगे। बट मेट्रो में क्या है कि आपको एक चेंज करनी पड़ेगी मेट्रो वहाँ से, तो लोकली ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं भाई, सस्ते से सस्ता चलते हैं भाई, कैसे जा सकते हैं। और यहाँ पर भी भाई ऐसी मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ से हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कहाँ जाना है। ओए यहाँ पर तो अलग अलग तरह की ट्रेनें हैं भाई, सिर्फ मुझे 1 रिंगिट की पड़ी है टिकट भाई, देख सकते हो 1 रिंगिट डालेंगे यहाँ पर। ये आ गया भाई टोकन। तो भाई अनफॉर्चुनेटली ये स्टेशन ही बंद है, मैं गया था अंदर टोकन भी ले लिया था, बट ये देखो इन्फॉर्मेशन ट्रैवलर भाई ये स्टेशन बंद है, मतलब कि इन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ से बस चलती है, बस लो आप, मतलब ट्रेन नहीं जाएगी यहाँ से। तो फिर यहाँ पर बस खड़ी थी अभी, वो मैंने मिस कर दी है, तो देखते हैं भाई कैसे जाते हैं हम। तो जी मुझे यहाँ पर समझ नहीं लगी तो कैसे जाना है, बट बस वाला भी भाई बहुत लेट हो गया था, तो मैंने अभी ग्रैब ही बुक कर ली। तो देखते हैं भाई यहाँ पर आएगा ग्रैब वाला, तो टैक्सी पे ही चलते हैं यार, क्योंकि यार इतनी वेट कर ही नहीं जाएगी, और ऊपर से गर्मी बड़ी है यहाँ पर, मेरे को पसीने आ गए खड़े होते होते। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं बातू केव टेम्पल, और बेसिकली ये जो टेम्पल है भाई हिंदू तमिल टेम्पल है, 4000 मिलियन ईयर पुराना टेम्पल है ये वाला। और देख सकते हो बिल्कुल सामने ये मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी, और उसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियां हैं भाई कितनी सारी,
बाद में ऊपर जाके केव स्टार्ट होती है। देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, अंदर जाके देखते हैं भाई क्या है। इस टेंपल के बारे में बहुत सुना था और आज फाइनली पहुंच भी गए हैं इस टेंपल में। एक उधर भी है टेंपल, हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो कितने कबूतर हैं और लोग चारा डाल रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ चारा डालूँ। हाउ मच? 5 रिंगिट। एंड बनाना टुगेदर? तो भाई हमने ना ये चारा ले लिया है और साथ में ले लिए हैं केले। तो हम ना इनको जो ये क्या कहते हैं यहाँ पर मंकी से, उनको केले देंगे और इनको हम देंगे चारा। ये देखो भाई, एक मिनट रुक जा बाबे, रुक जा, केला देता हूँ तुझे। ले गया बस ये छोड़ गया। यहाँ पर आसपास भाई बहुत बंदर हैं भाई, मतलब नोटी बंदर हैं यार। और देख सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति है ये वाली, और इसके ऊपर हम चढ़ के जाएंगे। बहुत बंदर हैं इस एरिया में। जिसने भी कपड़े पूरे नहीं डाले उसको अलाउड नहीं है, उनको यहाँ से वे लेना पड़ेगा कपड़ा ऊपर जाने के लिए। देख सकते हो भाई ये वाली पूरी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और देख सकते हो कितनी ये चीज़, देख सकते हो पहाड़ के ऊपर ना। तो ये वाला जो बंदर है भाई, इसने ना इनके बैग में से कुछ निकाल लिया, देख सकते हो। और यहाँ के बंदर नोटी हैं, बच के रहना पड़ेगा। तो फाइनली भाई आ चुके हैं हम यहाँ पर नीचे से ऊपर चढ़ के। यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, कितनी खतरनाक लग रही है ये केव। गया था, बहुत बढ़िया व्यू है भाई। देख सकते हो कैसे ऐसे गोला बना हुआ है और नीचे टेंपल है। और जो इस टेंपल की हिस्ट्री है भाई, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, गूगल पे काफ़ी नॉलेज है इस टेंपल के बारे में। और यहाँ पर आप गाइड भी हायर कर सकते हो, अगर आपने मतलब यहाँ कभी आना है बातू केव में, गाइड आपको पूरा बताएगा कैसे क्या है। मैं इसकी हिस्ट्री अब जाके देखूंगा क्या है इस टेंपल की हिस्ट्री। प्रॉपर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यार कई बार मैं गलतियाँ कर देता हूँ प्रोनाउंस करने में, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, कुछ गलत ना एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, ये ज़्यादा नहीं है बट वो वाली बहुत ज़्यादा है। तो ये बातों केप से आ गए नीचे, वहाँ से नीचे आए हैं, पूरा मतलब स्वेट हो चुका है काम, गीले गीले पूरे। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी शॉप्स हैं, जैसे हम प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मैंने प्रसाद तो लिया नहीं था। देख सकते हो यहाँ पर मेरे को लग रहा है एक और टेम्पल आगे मैंने देखा था। देख सकते हो कितने मंकी हैं यहाँ पर, कबूतर भी बहुत हैं। ये देखो कैसे पकड़ के बैठा हुआ है अपनी माँ को। हमने यहाँ से भाई पानी बोतल ली है, 2 रिंगट की पड़ी है हमको ये वाली पानी बोतल। मेरे को ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि मैं मलेशिया में घूम रहा हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं केरला कुरला वाली साइड आया हुआ हूँ। यहाँ पर कोकोनट भी देख सकते हो, कोकोनट भी दे रहे हैं ये कोकोनट पानी। मोस्टली यहाँ पर सारे तेलुगु लोग हैं, तेलुगु केरला के, और मोस्टली इंग्लिश ही बोल रहे हैं, हिंदी तो आती नहीं कहीं को। तो जी बातू केव से निकल चुके हैं, पीछे ये देख सकते हो यहाँ से नीचे आने का भाई मतलब पसीना आ गया बहुत, और लिटरली इतनी गर्मी हो गई ना यहाँ पर, अभी मेरे को बिल्कुल खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल यहाँ पर। हमने यहाँ से भाई ग्रैब बुक कर ली है वापस अपने होटल की। उतर गया था यार टैक्सी से, और रेस्टोरेंट भी मुझे एक याद आ गया, मैं बहुत टाइम पहले जब आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जय हिंद करके रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट है। लोकल समझ लो कि मतलब इंडियन फूड ही मिलता है यहाँ पर,
मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट तो है, खाते रहते खाना, बट आपको आज लोकल देसी खाना दिखाते हैं जय हिंद रेस्टोरेंट में। ये देखो सामने है भाई रेस्टोरेंट, पंजाबी का रेस्टोरेंट है अपने, कोई देख सकते हो भाई यहाँ पर सब कुछ है, जलेबियाँ भी पड़ी हैं। क्या बात है भाई, ऐसे बुफे लगा हुआ है, यहाँ से आप खाना ले सकते हो जो भी आपको खाना है। नॉन वेज भी पड़ा है, नॉन वेज सेपरेट पड़ा है, वेज सेपरेट पड़ा है। क्या बात है, और रोटियाँ बन रही हैं। और भाजी तो देख सकते हो भाई देसी खाना, मतलब यहाँ पर दाल और कढ़ी और रायता, साथ में थोड़े से चावल ले लिए मैंने। और ये रेस्टोरेंट है भाई, बूफे लगा हुआ है, यहाँ पर लोकल लोग आके खाना खाते हैं। मैं बहुत टाइम पहले आया था यहाँ पर खाना खाने, वो भी आया हूँ वापस। लंगर वाली दाल भी होती है, लहसुन दाल है, बढ़िया है। तो पहले तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो रेस्टोरेंट से बाहर आ गए थे और खाना बहुत देसी था, बढ़िया था, घर वाली फीलिंग आ गई। और सिर्फ मेरे लगे 10 रिंगट, मतलब 10 रिंगट आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने बनते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपने होटल वापस, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं माहौल यहाँ का। और यहाँ पर देख सकते हो भाई चेन्नई ज्वेलर्स, चेन्नई वालों की दुकान है भाई ज्वेलरी की, यहाँ पर ज्वेलरी की शॉपें बहुत हैं, लिटिल इंडिया ज्वेलर्स देख सकते हो। तो मैं ढूंढ रहा था भाई सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट मिल गई है, यहाँ से कुछ पानी वानी लेना है मुझे। A few moments later. तो जी होटल पहुंच गए थे अपने, और होटल की सफाई सफुई करी हुई है इन्होंने, सब कुछ क्लीन करा हुआ है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे भाई, ट्विन टावर के आसपास जाएंगे हम और आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो इस व्लॉग का तो यही एंड कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार पसंद आई है तो यार लाइक कमेंट शेयर ठोक देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नीचे आ रहा भाई इंस्टाग्राम का लिंक, तो भाई जाके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय।